हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनीबडी कैन लर्न। आज हम यूनिट 12 के अगले दो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ अगले टॉपिक्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, क्रिस्टल इज मेड ऑफ टू पार्टिकल। एक क्रिस्टल है वो दो पार्टिकल का बना हुआ है, ए और बी। एटम ए प्रेजेंट एट कॉर्नर, जो एटम ए है वो कॉर्नर पर प्रेजेंट है। एटम बी प्रेजेंट एट फेस सेंटर, और जो एटम बी है वो फेस सेंटर पर प्रेजेंट है। ये जो कॉर्नर पर प्रेजेंट है ए, ये तो एटम ए है, और जो फेस सेंटर में प्रेजेंट है वो एटम बी है। अब हमें यहाँ पे दो केस फाइंड आउट करने हैं। क्या कि फॉर्मूला निकालो कंपाउंड का, जो वन ऑफ कॉर्नर की कॉर्नर से हमने एक रिप्लेस कर दिया एलिमेंट सी से, कि एक कॉर्नर है जो एटम एक कॉर्नर से हटा लिया, उसकी जगह सी लगा दिया एलिमेंट, तो ए कितने पे रह गया, सेवन रह गए कॉर्नर पे। ए एटम सेवन इंटू उसका पार्टिकल का पार्ट कितना होता है, 1/8 मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 7/8 आ जाएगा। अब है बी एटम कितना है हमारे पास, फेस से तो कोई हटाया ही ना हमने, फेस पे तो उतनी प्रेजेंट है जितने पहले थे, तो फेस 6 होते हैं इंटू 1/2 3। और सी एक नया आ गया, एक सी वो भी किस पे कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो 1/8 1/8। अब हम इसकी रेशो निकालेंगे, ए रेशो बी रेशो सी। ए कितना हमारे पास 7/8, बी कितना है 3, सी कितना हमारे पास 1/8। तो 8 ऊपर चला गया दोनों से, 7 इसकी रेशो आ गई 7:24:1। आंसर क्या आ गया हमारे पास, ए 7 बी 24 सी 1। अब हम फाइंड आउट करेंगे सेकंड पार्ट। देखो ये क्या कहता है कि फाइंड करो फार्मूला, अगर सारे एटम एक फेस से रिमूव कर दे हम, कि एक फेस से सारे एटम रिमूव कर दे, मतलब चार कॉर्नर के एटम भी रिमूव हो गए और एक फेस सेंटर का भी रिमूव हो गया, तो एटम के ए कितने रह गए हमारे पास, ए कितने रह गए 4, क्योंकि 4 रिमूव हो गए एक फेस से, तो 4 रह गए इनटू उसका पार्टिकल कितना होता है 1/8, 4/8 रह गए। और बी एटम फेस सेंटर से तो एक ही होता है ना, तो ये 5 रह गए, 6 होते हैं फेस सेंटर, तो ये 5 रह गए इनटू 1/2 5/2। सी तो है नहीं इसमें, तो ए रेशो बी कितना आ गया हमारे पास 4/8 रेशो 5/2 1:5 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ए 1 बी 5, ये हमारे पास आ गया आंसर। अगला न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हम ये तीन बातें जान लेते हैं कि जो इन तीनों के हैं, जैसे सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक और बॉडी सेंटर क्यूबिक, इनके हम कितने पार्टिकल पर यूनिट सेल लेते हैं जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि सिर्फ कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं, और कॉर्नर कितने होते हैं 8, तो इसके पार्टिकल कितने हुआ 8 × 1/8, 1 पार्टिकल हुआ इसका। और एफसीसी का कितने लेते हैं, इस पे फेस पे भी प्रेजेंट होते हैं और कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, तो 8 × 1/8 ये जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, प्लस जो फेस पे कितने प्रेजेंट होते हैं 6, क्योंकि फेस 6 होते हैं ना, तो फेस सेंटर पे कितने हो गए 6, तो 6 × 1/2 ये हो गए फेस सेंटर के, तो ये 1 + 3 = 4 फेस सेंटर क्यूबिक कितने पड़ जाते हैं 4। अब बॉडी सेंटर क्यूबिक के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल माने जाते हैं 8 × 1/8 ये जो कॉर्नर पे है, दूसरा एक उसके बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है, प्लस उसका कितना पार्टिकल होता है 1, तो 1 + 1 ये 2। सोडियम फोम बीसीसी लैटिस की, जो सोडियम है वो बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस बना रहा है। देन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम की, कैलकुलेट करो कि कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल है 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम में, ये हमारे पास गिवन मास है।
मेन मेडिकल इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके पास गोल्ड भी आ सकता है सोडियम की जगह, कोई और एटम भी आ सकता है। तो अब हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सोडियम एटम के। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कि कितने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। गिवन मास हमारे पास है 9.2 ग्राम, 9.2 अपॉन सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। तो हम इसको सॉल्व कर देंगे, 92 23 × 10। ये डेसिमल का 10 नीचे आ गया, 23 4 92, 0.4 मोल, 0.4 मोल है सोडियम। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ सोडियम एटम। एक मोल में एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 × 10⁻²। अगर हम जितने भी मोल हैं उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाते हैं उस एटम के। अब जैसे हमारे पास सोडियम एटम है तो हम इसके मोल कितने हैं? 0.4। 0.4 को हम 6.022 × 10⁻²³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 88 0.24 × 10⁻²³। हमारे पास ये आ गया नंबर ऑफ सोडियम एटम। अब हमारे पास नंबर ऑफ सोडियम एटम कितने आ गए? 24.08 × 10⁻³। अब हम नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे। नंबर ऑफ यूनिट सेल जो हमें क्वेश्चन में निकालना था, अब इसको हम कैसे निकालते हैं कि जितने गिवन एलिमेंट के हमारे पास नंबर ऑफ एटम है 10⁻²³, उसको हम डिवाइड कर देंगे कि वो एलिमेंट लैटिस कौन सी बना रहा है। जैसे इस क्वेश्चन में सोडियम BCC लैटिस बना रहा है, तो इसके पार्टिकल कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 2। आपको मैंने पीछे करके दिखाया था वीडियो में, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया हमारे पास? 12.044 × 10⁻²³। ये हमारे पास आंसर आ गया। आप इसके जरूरी नहीं है कि सोडियम ही आए, इसकी सोडियम की जगह हमारे पास गोल्ड भी आ सकता है, सिल्वर भी आ सकता है, कोई और आइटम भी आ सकता है। और वो हमें ये भी कह सकता था कि जैसे कोई और आइटम आ गया वो सिंपल क्यूबिक बना रहा है, तो उसके नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालने हैं? क्योंकि जितने एटम है उसके अपॉन 1। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 होते हैं। अगर FCC आ गया, FCC के होते हैं 4, तो उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, वो हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टूडेंट्स क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। अब क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? इट मीन्स टू ऑक्यूपाई मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस एंड मिनिमम एम्प्टी स्पेस, कि जो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा एरिया है वो कवर कर ले और कम से कम एम्प्टी रह जाए, उसको हम कहते हैं क्लोज पैकिंग इन स्ट्रक्चर। अब ये भी आगे 3 टाइप्स की हैं, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन या क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब 1 डायमेंशन का एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको कि आखिर 1 डायमेंशन होता है। 1 डायमेंशन हो गया कि नंबर लाइन 1 2 3 4, ये 1 डायमेंशन का एग्जाम्पल है। 2 डायमेंशन का एग्जाम्पल है जैसे हमने प्लेन ऑफ पेपर पे स्केल ड्रॉ कर लिया, सर्कल ड्रॉ कर लिया, वो हमारे पास क्या हो गया? 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन क्या होती है? जैसे एक फुटबॉल हो गई, वो 3 डायमेंशन का एग्जाम्पल है। अब क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन क्या है कि या तो पार्टिकल्स अरेंज्ड होंगे रो में या फिर अरेंज होंगे कॉलम में। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि एक पार्टिकल कितने एटम से अटैच है। ये जो पार्टिकल है वो 2 एटम से अटैच है, एक ये दूसरा ये, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 2। अब हां जी स्टूडेंट्स, तो अगला टॉपिक हमारे पास क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन क्या होता है कि जैसे एक ए एटम की रो है उसके नीचे दूसरे एटम की रो लगा ली, वो सेम भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। इसी टाइप से उसके 2 टाइप आगे, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
अब स्केयर क्लोज पैकिंग क्या होता है कि जैसे ये ए आइटम की रो है, उसके ठीक बिल्कुल नीचे फिर से इसी आइटम की रो आ गई, उसके फिर नीचे उसी आइटम की रो आ गई, तो इसकी टाइप क्या हो गई? ए ए ए टाइप, क्योंकि सेम आइटम की रो है ना, तो उसको हम ए टाइप भी कह सकते हैं। और एक आइटम है जैसे 4 से अटैच है, 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4। अब जैसे ये आइटम है, ये वाला, इसके जितने भी 7 आइटम अटैच है ना, उसको हम अगर ज्वाइन कर दें तो वो स्केयर बना देंगे, इसलिए इसको हम स्केयर क्लोज पैकिंग कहते हैं। अगली है हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है कि ये जैसे ए आइटम की रो है, उसके ठीक वर्ड्स के नीचे, वर्ड क्या होता है, ये जो खाली स्पेस होता है ना आइटम्स के बीच में, इसको हम वर्ड कहते हैं। ये भी आपके दो टाइप के हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए कि ये ठीक ए आइटम की रो के ठीक बिल्कुल नीचे जहां पे वर्ड है, खाली जगह है, उसके नीचे हम बी की रो लगा देते हैं, ये बी आइटम की रो होगी, फिर उसके नीचे एक उसके वर्ड के नीचे फिर ए आइटम की फिर से रो आ गई, ऐसे ये चलता रहता है, फिर उसके वर्ड के नीचे बी की आ गई, फिर उसके नीचे ए की आ गई, तो ये हो गया इसकी ए बी टाइप होगी इसकी, क्योंकि एक रो ए की है फिर बी की है फिर ए की फिर बी की। अब इसमें एक पार्टिकल है रो, वो 6 से अटैच होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। और जैसे ये पार्टिकल है, इसके जो से एटम अटैच है ना, अगर हम उसको ज्वाइन करें तो ये हेक्सागोनल बन जाता है, इसलिए इसको नाम दिया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अगला टॉपिक है हमारे पास क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, कि 3 डायमेंशन में हमारी क्लोज पैकिंग कैसे होती है। इसको समझने से पहले हम दो इंपॉर्टेंट वर्ड समझ लेते हैं कि क्या कैसे बनते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे बनते हैं कि जैसे ये पार्टिकल है, इनके बीच में क्या है, जो आपको खाली जगह दिख रही है ना, ये ट्रायंगल जैसी, ये ट्रायंगुलर वर्ड भी कहते हैं इसको, हम ट्रायंगल की तरह दिख रहा है तो ट्रायंगुलर वर्ड। इसके ऊपर जब हम दूसरी लेयर लगा लेते हैं, उसके ये कवर हो जाता है, ऐसे पार्टिकल आ गया दूसरी लेयर का, तो इसलिए वो जो वर्ड के ऊपर आ गई ना, वो कवर हो गया, तो उसके बीच में जो स्पेस आ गया वो टेट्राहेड्रल वर्ड बना देता है। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड कैसे बनता है कि जैसे ये लेयर है नीचे वाली, उसके ऊपर हमने दूसरी लेयर लगा दी, लेकिन उसने ट्रायंगुलर वर्ड को पूरा कवर नहीं किया, वो कुछ इस टाइप से कवर कर लेता है इसको। कुछ इस टाइप से कवर कर देता है वो वर्ड को, तो ये जो बीच का, ये तो भरा गया ना, पार्टिकल आ गया इसके ऊपर, ये जो बीच का रह गया स्पेस, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कह देते हैं हम इसको। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए कि टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड कैसे बनता है। अब मैं आपको टॉपिक समझा देता हूँ। अब क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन भी आके हम दो तरीकों से बनती है, जैसे जो 2 डायमेंशन हमने दो चीजें पढ़ी थी, स्केयर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब स्केयर क्लोज पैकिंग से एक टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसमें वैसे दो टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, एससीबी और सीसीबी। एससीबी मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब हम फर्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं, जो हमने 2 डायमेंशन में स्केयर क्लोज पैकिंग पढ़ी थी ना, उसकी हेल्प से जो स्ट्रक्चर बनता है 3 डायमेंशन में, वो कैसा होता है? ए टाइप का होता है। अब ए ऐसे है दो रो, उसके नीचे ही दूसरी रो सेम एलिमेंट की लग गई, फिर आगे भी वो ही है, पीछे भी वही है, ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, सेम एलिमेंट है, तो ए टाइप बन गई। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होता है? 6। एक एटम है जो इसमें, वो 6 एटम से अटैच होता है, इसको हम सिंपल क्यूबिक भी कह सकते हैं। हम पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये कैसे बनता है? जब हम टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर कर लेते हैं, जिसका अरेंजमेंट है ए बी टाइप, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 12। मतलब एक एटम है ना इसका, वो 12 से अटैच होता है। अब इसमें क्या है कि एक लेयर ए की है, दूसरी बी की है, फिर उसके नीचे फिर ए की, फिर बी की, ऐसे वो अटैच होता है, तो 3D में स्ट्रक्चर बन जाता है उसको, उसको कह देते हैं ए बी टाइप। फिर आ गया अगला सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये कैसे बनती है? जब हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड, जो वो
ऐसे ट्रायंगल को कवर नहीं कर देता, वो इतना बच जाता है, ऐसे कवर हो जाता है ना ऐसे। तो उसको जब हम कवर कर लेते हैं, उसका अरेंजमेंट होता है एबीसी एबीसी टाइप। जैसे एक का एलिमेंट ए का लग गया, फिर दूसरे की बी की आ गई रो, फिर सी की आ गई, फिर ए की, फिर बी की, फिर सी की, तो उससे बनता है हमारे पास सी सी की। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, उसका भी एक एटम 12 एटम से अटैच रहता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अगला टॉपिक है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है बहुत। हमने तीन चीजों के लॉस पेयरिंग परसेंटेज पढ़नी है, सिंपल क्यूबिक की, बीसीसी की, एफसीसी की। सबसे पहले हम सिंपल क्यूबिक की पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग परसेंटेज डिफरेंट यूनिट सेल की, कि वो कितना परसेंट कवर कर देता है यूनिट सेल और कितना खाली रह जाता है, परसेंटेज निकालनी है हमको सिंपली। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक की। तो सिंपल क्यूबिक में सबसे पहले आप डायग्राम समझ लीजिए, ये जैसे 4 एटम अटैच हैं, तो इसके हम पॉइंट ले लेंगे ए बी सी डी। इसका जो ये है मिड पॉइंट से जब हम अटैच करेंगे दो पार्टिकल को, तो वो जो होगा ए होगा। ए क्या है? एज लेंथ। इसको स्टार्ट करने से पहले आप एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि जब हम एच सी पी और सी सी पी जो हमने 3 डायमेंशन में पढ़े थे दूसरे पार्ट में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जब हम उसको कलेक्टिवली लेते हैं ना 3 डायमेंशन में, तो वो हमारे पास एफ सी सी फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर बना देता है। अब देखो जो ए है एज लेंथ है, जो किसके इक्वल है, ध्यान से देखिए, ये रेडियस है इसका आर, ये इस पार्टिकल का रेडियस हो गया, तो किसके इक्वल है ये 2R के, और 2R किसके इक्वल होता है D के, डायमीटर हो गया, दो रेडियस सेम पार्टिकल है वो, तो दोनों की रेडियस जब हम मिलाएंगे तो वो डायमीटर बन जाएगा एक से। और 2R इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो AD के भी इक्वल है, इसकी सारी साइड इक्वल ही है, तो लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू ए इक्वल टू एज लेंथ। जो सारी साइड्स हैं वो ए के इक्वल है, ये एक तरह से क्यूब ही हो गया पार्टिकल। जब हम अटैच करेंगे ध्यान से देखेंगे उस स्ट्रक्चर को, तो वॉल्यूम क्या है क्यूब का, ए क्यूब। अब ये स्फेयर ही है एक तरह से एटम, तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, फोर बाय 3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4 बाय 3 पाई आर क्यूब। अब नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं सिंपल क्यूबिक में, तो 8 एटम होते हैं टू 1/8, तो 1 पार्टिकल होता है पर यूनिट सेल। अब हम टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड निकाल लेंगे, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड इतना है, जितने पार्टिकल हैं उसको वॉल्यूम, एक पार्टिकल के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम परसेंटेज निकाल लेंगे कि कितनी है, परसेंटेज हम कैसे निकाल लेंगे, स्पेस ऑक्यूपाइड कि कितना हमारे पास स्पेस ऑक्यूपाई किया है उसने, घेरा है, और कितना हमारे पास स्पेस गिवन इनटू 100। स्पेस ऑक्यूपाइड कितना किया 4/3 पाई आर क्यूब, स्पेस गिवन कितना था, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब इनटू 100। अब ए हमारे पास 2R के इक्वल है, तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8R³ इंटू 100, ये हमारे पास सॉल्व करके 52.4% आया। एक बात और ध्यान रखना कि जो सिंपल क्यूबिक की परसेंटेज होती है ना वो सबसे कम होती है 52.4%, और इससे ज्यादा होती है बीसीसी की 68%, और सबसे ज्यादा होती है फेस सेंटर क्यूबिक की, जो मैं आपको आप कराऊंगा उसकी परसेंटेज होती है 74%। देख लीजिए 100
माइनस 74, 26% स्पेस खाली है, एम्प्टी है, और 74% ऑक्यूपाई किया उसने। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अगला हम पढ़ेंगे एफसीसी का पैकिंग परसेंटेज। इसमें पार्टिकल्स देखिए, एक एटम कॉर्नर का ही हो गया, फिर फेस सेंटर का हो गया एक, ये फिर दूसरी कॉर्नर का एटम, तीसरी कॉर्नर का एटम, चौथी कॉर्नर का एटम, इसको हम मिला देंगे। इसकी एज लेंथ क्या होगी? ये होगी एज लेंथ ए बी सी डी, ये एज लेंथ होगी इसकी। हम एसी निकाल लेते हैं सबसे पहले, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा पाइथागोरस थ्योरम का, जैसे ये है ना एबीसी ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यू ये ए है ये भी ए है, तो पी स्क्वायर कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बेस भी ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर निकाल देंगे, एच इज इक्वल टू अंडर रूट टू ए स्क्वायर अंडर रूट टू ए, ये हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट टू आ गया। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जो अंडर रूट टू ए है वो फोर आर के इक्वल है, कैसे? आधा रेडियस इसका पूरा डायमीटर इसका हो गया टू आर, और आधा रेडियस इसका हो गया, तो अंडर रूट टू ए किसका इक्वल हो गया फोर आर के, और डी डायमीटर किसके इक्वल है, डायमीटर इज इक्वल टू अंडर रूट टू ए बाय टू, ए डायमीटर हो गया। अब हम इसको पुट कर देंगे अंडर रूट टू, डी इज इक्वल टू अंडर रूट टू ए को पुट कर दिया हमने फोर आर, तो डी टू आर के इक्वल आ गया। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड ए है एज लेंथ, तो वॉल्यूम आ गया ए क्यूब। आप वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, पार्टिकल क्या है स्फीयर ही है, तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3π r³, तो वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल 4/3π r³। आप नंबर ऑफ पार्टिकल एफसीसी में, नंबर ऑफ पार्टिकल इन एफसीसी, आपको पता है कि कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होते हैं एफसीसी में, और एक फेस सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, तो जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं 8 × 1/8 प्लस फेस सेंटर पे 6 एटम प्रेजेंट होते हैं, उसका हम नंबर ऑफ पार्टिकल लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, 1 + 3 कितने होते हैं 4, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे हमारे पास 4। अब टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड क्या हो गया हमारे पास, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं 4 × 4/3π r³, कितना आ गया 16/3π r³। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम पैकिंग परसेंटेज निकालेंगे, वो कैसे निकालते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइड अपॉन गिवन स्पेस इनटू 100, स्पेस ऑक्यूपाइड कितना है हमारे पास 16/3π r³ अपॉन गिवन स्पेस कितना था ए क्यूब इनटू 100। तो ए की वैल्यू पुट कर देंगे हम, ए इज इक्वल टू 4/r√2, 4/r√2 का क्यूब, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी 74%। इसकी सबसे ज्यादा होती है एफसीसी की पैकिंग परसेंटेज,